हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आयुर्वेद में आंवले को दिव्य औषधि माना गया है। यह विटामिन सी, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर होता है। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम आदि की मात्रा भी काफी पाई जाती है। आज मैं आपके साथ बिना चीनी, बिना गुड़ के आंवले का मीठा अचार बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें हम अपने धुले हुए आंवले डाल के एक मिसल लगने तक इन्हें बॉईल करेंगे। हमारे आंवले बॉईल हो चुके हैं, अब हम इनके पीसेज कर लेंगे और इनकी गुठलियों को निकाल देंगे। अचार बनाने के लिए मैं धागे वाली मिस्त्री का यूज करूंगी और मैं इसका पाउडर बना लूंगी। एक कढ़ाई में 1.5 बड़ा चम्मच तेल डाल के हमने गरम कर लिया है। अब इसमें 1/2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच सौंफ, साबुत सौंफ है, और 1/2 चम्मच कलौंजी। ये तीनों चीजें डाल के इन्हें धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। फिर इसमें 4 चम्मच सौंफ पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच घी, 1/2 चम्मच इन्हें हल्की आंच में भूनने के बाद इसमें जो हमने आंवले के पीसेस कर लिए हैं वो सारे पीसेस इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, चाहे तो आप कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसमें हम 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर भी डालेंगे। अभी हमारा अचार तैयार हो चुका है। हमारा ये मीठा और चटपटा अचार तैयार हो चुका है। अब हम इसे किसी सूखे कंटेनर में रख लेंगे। हमारे पास ये जो आंवले का वाटर बचा हुआ है इसको हम फेंकेंगे नहीं, हम इसका यूज शरबत बनाकर कर सकते हैं या फिर हम इससे अपने हेयर भी वॉश कर सकते हैं। ये हमारे हेयर्स में कंडीशनर का कार्य करेगा क्योंकि इसमें आंवले के सभी गुण उपलब्ध हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल का बटन सेलेक्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।